What's up guys, and welcome back to my channel with my new video। एंड गाइज इन दिस वीडियो आई एम मॉडिफाइंग द रेनॉल्ट डस्टर। एंड गाइज ये जो आइडिया है ये मेरे माइंड में जब आया जब मैं और मेरे 3-4 फ्रेंड्स मसूरी गए थे और अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ कमरा नहीं मिला। सो देन मैंने सोचा यार एक ऐसी गाड़ी को मॉडिफाई करूँगा जो ऐसी सिचुएशन में हमारा साथ दे, या तो कई लोगों को ट्रेंडिंग अच्छा लगता है तो उनको ये साथ दे। तो जैसे ही मैं घर आया तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस कार और जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो की लेंथ भी मैंने छोटी कर दी बिकॉज मेरे पास कंप्लेंट आ चुकी है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाता हूँ तो लोग बोर हो जाते हैं, व्यूअर्स बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो छोटी। गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, वो लाल वाला बटन दबा दो बिकॉज फ्यूचर में अच्छे कॉन्टेंट्स आने वाले हैं। आई एम वर्किंग ऑन देम, जल्दी आएंगे तो इसलिए सब्सक्राइब करो और अगर हो सके तो बेल का आइकन भी दबा दो, नोटिफिकेशन तुम्हें आ जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो इसके टायर्स है वो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ और जो टायर्स है वो मैं ऑफ रोडिंग टायर्स लगा रहा हूँ। इन टायर से क्या होगा, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ जाएगा। अब तुम इसके बाद इस गाड़ी को किसी भी ऑफ रोडिंग जगह पर ले जाओ, ये गाड़ी वहाँ जाने के लिए रेडी है, बट अभी के लिए अपनी इमेजिनेशन में और तुम्हारी इमेजिनेशन में। और नाउ आई एम डूइंग सम डिटेलिंग वर्क ऑन द बम्पर, फ्रंट बम्पर, बिकॉज जो इसके टायर्स और बम्पर है वो मैंने एक ही गाड़ी से लिए है, तुमने देखा होगा। और शेडो भी मैंने यहाँ पे लगा दी और जो साइड विंडोज़ है अब उस पर थोड़ा काम यहाँ पे मैं करूँगा बिकॉज पूरी गाड़ी पे जो डिटेलिंग वर्क है, पूरी गाड़ी पे जो इसके पिक्सल्स है उसको पूरी अच्छी तरह से हटाना है। अपने माइंड से भी थोड़ा यहाँ पे क्रिएटिवनेस दिखानी है, थोड़ी पूरी गाड़ी को अच्छा, पूरी गाड़ी अच्छी लगनी चाहिए। एंड नाउ आई ऑल्सो चेंज द फ्रंट ग्रिल और उसी के साथ साथ आई ऑल्सो एड दिस फ्रंट बम्पर जिस पे विंच भी लगा हुआ है। एंड तुम सबको मालूम है विंच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एसयूवी। अगर तुम कहीं ऑफ रोडिंग पे जाते हो तो विंच बहुत ही यूज़फुल आता है। प्लस आई एडिड द न्यू लाइट्स का भी तुम्हें मालूम है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रूफ टॉप रैक। एंड द कार इज़ नाउ 50% डन। एंड अब वो चीज़ बनाने जा रहा हूँ जो मेन मेरे को इस गाड़ी में चाहिए थी, वो है ये रियर ट्रेलर जिसमें एक बेड हो सकता है, किचन हो सकता है और आपका एक वॉशरूम हो सकता है। और नाउ बना तो मैंने दिया, तुमने देखा मैंने कैसे बनाया है। इसका जो रियर है उसको उठा के पीछे मैंने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया और उस पर खुद ब्रश टूल से पूरा उसको एक नया लुक दिया। साइड में विंडोज़ लगाई फॉर द व्यू, अगर तुम कहीं जा रहे हो तो पीछे लेट के ऐसा व्यू देखो। एंड द कार इज़ नाउ डन। एंड गाइज अभी तक कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि मॉडिफिकेशन कैसी लग रही है। प्लस अगर ये मॉडिफिकेशन तुम्हें अच्छी लगी तो सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, और उसी के साथ साथ कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट तुम्हें इसमें अच्छा लगा। और अगर तुम्हें इसका रियर व्यू चाहिए और साइड व्यू भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। मैं उसकी वीडियो नहीं डालूंगा बट मैं उसकी जो फोटोज़ है अपने इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर डालूंगा। एंड द कार इज़ डन। अब जो काम है इसमें स्टिकर्स लगाना और एक लास्ट चीज़ है जो इसमें मैंने यू नो सबसे लास्ट के लिए बचा के रखा था, वो है दिस। ये है रूफटॉप कैंप। अगर बाय चांस लोग ज़्यादा जा रहे हैं गाड़ी में, आराम से तुम्हारा एक अच्छा सा टूर पूरा बन जाएगा और तुम्हारे होटल के पैसे यहाँ पे बच जाएंगे। बाय चांस अगर मेरे पास होती रियल में जब हम मसूरी गए थे तो हमारा होटल का खर्चा बच जाता, और जो रूम हमें 12:30 मिला था रात को वो शायद मिलता नहीं मिलता हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गाड़ी को लगाते पार्किंग में और वी कैन स्टे 1 नाइट 2 नाइट, कितने भी रात तुम रह सकते हो इस गाड़ी में। Who cares? और the car is now done here and now it's time to show you the final image of this car, and the final image of this car is this. So guys this is the final image। और काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें यू नो ऐड करी है, जैसे कि टायर्स हो गए, इसकी लाइट्स, पीछे ट्रेलर और ऊपर एक रूफटॉप कैंप। और जो कार है, जो मॉडिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। एंड इफ़ यू लाइक दिस मॉडिफिकेशन हिट दैट लाइक बटन। एंड दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नई वीडियो जल्दी आने वाली है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट।